अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अभी तो सब ठीक हो गए। मेरा पहला व्लॉग है, ये था बैंकॉक के अंदर। तो अभी मैं पहुंचा बैंकॉक, तो बैंकॉक से मैं बस स्टेशन से भी जा रहा हूं मैं होटल में। तो ये मेरा होटल, ये भाई से मैंने टैक्सी ली है। तो ये हाउ मच फॉर वो कह रहे हैं ट्रैफिक आज टाइम मैं नहीं बता सकता क्या है। तो ये 250 पास में करवाई है, तो है तो होटल तकरीबन 13-14 किलोमीटर, बल्कि नहीं 18 किलोमीटर आ रहा था मैप पे। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ ब्लॉग शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉग लाजमी होना चाहिए कि आने जाने वाला एक्सपीरियंस। इधर वैसे ना लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती है, जैसे उधर टुक टुक था, इधर की टुक टुक टाइप चलता है, लेकिन उसका सारी बात अभी पता नहीं। अभी मैं नया नया आया हूँ, तो अभी जब होटल से होके निकलेंगे बाहर की तरफ तो फिर ऐसी चीज़ों का पता लगेगा। तो अभी सारी बात सफ़र करके आया हूँ, तो थोड़ा थका हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस पे चलते हैं। हालांकि ये मतलब वो पैसे ज़्यादा हैं इसके, लेकिन अभी जल्दी में जाना है तो होटल का भी पहले दफ़ा पता लगाना होता है, तो इसलिए इस पे आया हूँ। तो बाकी रश काफ़ी है बैंकॉक के अंदर। ये इस बाइक की आईडी है। रश की सूरत हाल इधर काफी अच्छा। मदद की बात ये है कि बताया में कोई रश वगैरह नहीं हमने देखा, बस ट्रैफिक काफी ज्यादा है, लेकिन उधर पता नहीं क्या सीन है, रश नहीं पड़ने देते वो, यहाँ लोग डिसिप्लिन से चलते हैं इस वजह से। तो बैंकॉक इंटरनेशनल सिटी है, तो जिसमें भी आना ज्यादा एयरपोर्ट्स वगैरह इधर ही है, तो जारी बात है इधर फिर तो रश तो पड़ना ही है। इधर काफी ट्रैफिक देखने में आ रही है। तो बैंकॉक में मैं देख रहा हूँ लोगों ने मास्क काफी लगाए हुए हैं, यानी ये कोविड से मेरा ख्याल डाल रहे हैं, या चाइना में आया हुआ इस वजह से। तो थाईलैंड में भी शायद केसेस हों, इसलिए तकरीबन हर दूसरे बंदे ने मास्क लगाया हुआ है, दूसरे ने नहीं बल्कि हर बंदे ने तकरीबन लगाया हुआ है। अभी ये इधर से थोड़ी ट्रैफिक कम हुई है, थोड़ी स्पीड हुई है, बाकी ये मच्छर एक गाड़ी में आ गया हुआ है, ये बड़ा तंग कर रहा है। ट्रैफिक ने तो काफी लेट कर दी है। तो अभी तकरीबन सफर तो थोड़ा ही था, लेकिन 30-35 मिनट हो गए हैं हमें। सफर तो सारा 18 किलोमीटर था, जो कि ज्यादा से 10-15 मिनट का था, तो आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अभी हम नजदीक आ चुके हैं होटल के, जी 1 किलोमीटर रह गया है, हो गया जी पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में बाइक वाले जो है ना, ये घुसते रहते हैं, हालांकि वो आगे से देख लें इशारा बंद है, लेकिन वो जा रहा है भाई। ये व्यूअर्स, होटल में पहुंच चुका हूँ, ये अभी मुझे ड्रॉप किया है इन्होंने। तो ये होटल है, ये काफी बड़ा होटल है, ग्रैंड इन, हाँ बिल्कुल यही होटल है। तो बाकी अभी हो गया इधर टाइम तकरीबन, पाकिस्तान से 2 घंटे आगे टाइम है इसका, तकरीबन 6 होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास बैग, 2 बैग हैं। तो ये मैंने कह रही क्यों है एक साथ ही, इसका ये मसला है कि ये ऊपर वाला जो बैग है ना, ये लटकाया हुआ है मैंने ऊपर, तो ये कभी कभी गिर जाता है। तो अभी हो गया शाम का वक्त, ये काफ़ी बड़ा होटल है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा होटल है। खैर रूम का टूर कराएंगे आपको, होटल का टूर बाद में करवाते हैं, पहले इधर इंटर होते हैं, इंटर होके देखते हैं। ये इधर लिफ्ट है, उस साइड पे सीढ़ियां थी, लिफ्ट नहीं थी, तो अभी देखते हैं क्या सीन। बाकी मेरा ख्याल है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, तो इस वीडियो को करते हैं इधर से ख़त्म, क्योंकि लंबी वीडियो मुझे पता है आप लोग पसंद नहीं करते, तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत सारी नई वीडियो के साथ आगे। अल्लाह हाफिज़।